नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाएंगे, वो शख्स सरकारी नौकरी को त्याग चुके हैं और उसके बाद में अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, उसके बाद भी दिल नहीं भरा तो एक्टिंग करने निकल चुके। एक आर्टिस्ट आज़ाद परिंदा होता है और ऐसे ही आज़ाद परिंदे से हम आपको मिलवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम, अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को करवा दीजिए। सबसे पहले मैं न्यूज़ आर्यव्रत का, टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास है। और मैं कमल नैन वर्मा, मुल्तानी फिल्मों का एक्टर हूँ और मुल्तानी फिल्में बनाता भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो सर, ये कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे सरकारी नौकरी लगने के बाद भी आपने त्याग दी? लोग आजकल भागे फिरते हैं सरकारी नौकरी, एक छोटी सी मिल जाए, आपने इतनी खास नौकरी होने के बाद भी उसको त्याग दिया? ऐसा है, नौकरी का तो थोड़ा सा सपना था और मैं अपने आप को देखना चाहता था कि मेरे अंदर इंटेलिजेंसी है या नहीं है, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया सेशन कोड सोनीपत के लिए। तो 600 लोगों में मैं फर्स्ट नंबर पर आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया, लेकिन नौकरी में मेरा दिल नहीं लगा। और फिर मैंने 2001 में ज्वाइन किया और 2003 में मैंने नौकरी से रिज़ाइन किया। और उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूट है कमल कम्प्यूटर कोचिंग से, अच्छा चल रहा है। और क्योंकि मुझे ये शौक़ बचपन से ही था फिल्मों में जाने का, मैं आर्या पीजी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, बीकॉम किया मैंने, वहाँ स्टेज पर भी मैं रोल करता था, तो ये शौक या चस्का कह लीजिए शुरू से ही था। और ये मेरे बचपन से रहा है, बचपन से रहा, रामलीला में भी रोल रहा है मेरा, भरत का रोल होता तो है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्टिंग का जो कीड़ा होता है वो कभी मरता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टीचर होने के बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो अच्छा एक्टर भी हो, तो जो टीचर अच्छा एक्टर भी होगा ना वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, मेरा ऐसा मानना है, तो इसलिए मैंने एक्टिंग को जारी रखा। तो अब आप इस एक्टिंग अपने करियर को कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? आप, अब आपकी एक ये मूवी आ रही है, क्या नाम है इसका? सजा। सजा, तो ये कब आ रही है, कब इसकी स्क्रीनिंग है और आपने ये क्या सोचकर, आपने क्या थॉट्स आए आपके कि मुझे ये अब बनानी चाहिए, किस टॉपिक पर है ये? मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा, ये इतफाकन हमारा चैनल बन गया मुल्तानी बोली से, क्योंकि हमारी जो घर की लैंग्वेज है ना वो मुल्तानी भाषा है, हम घर में मुल्तानी ही बोलते हैं। तो मेरे मन में आया कि ये धीरे धीरे मुल्तानी जो भाषा है लुप्त होती जा रही है और इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए। पहले हमने कॉमेडी फिल्में बनाई और मेरे चैनल का नाम है मुल्तानी बोली, उस पर कॉमेडी फिल्में आई। फिर मैंने सोचा कि कुछ मैसेज दें, मैसेज के जरिए और मुल्तानी भाषा को बचाने के लिए मैं फिल्में बना रहा हूँ। और मैं दो जो फिल्में हैं बड़ी फीचर फिल्में हैं उसमें भी काम कर चुका हूँ, एक तो मस्त मस्त मुल्तानी फिल्म आ चुकी है, मेरा उसमें टीचर का रोल था, वो फन सिनेमा पर लगी थी। एक अभी फिल्म में काम कर रहा हूँ, यश बाबू की फिल्म है कुरुक्षेत्रा में, अभी कल भी शूटिंग थी मेरी, उसका नाम है मैरिज मेकर डाइवोर्स ब्रेकर, वो हिंदी की फिल्म है। लेकिन मैं अपना जो चैनल है मुल्तानी का है उसमें मुल्तानी कंटेंट डालता हूँ। अभी मेरी सजा फिल्म आई है जिसको मैंने 17 अप्रैल को मैंने रिलीज भी कर दिया यूट्यूब चैनल अपने मुल्तानी बोली पे, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इतने लोग देख रहे हैं और रोज़ ही मेरे को लोगों के कमेंट और फ़ोन आते हैं कि आपने बहुत एक ज्वलंत विषय पर फिल्म बना दी है और फिल्म को पसंद किया जा रहा है। एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता, एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती, तो ये सही है? ये बिल्कुल सही है, एक्टर कभी भी बूढ़ा नहीं होता, जब तक उसके जान में जान होती है तब तक वो चाहता है कि मैं अपने आप को दिखाता रहूं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और लगातार अगर हम फिल्म में बनाते हैं तो लोग हमें ज़्यादा देखेंगे और हमारी पहचान भी बनेगी। ये किस चैनल पर है और ये कहाँ देखी जा सकती है मूवी आपकी? मेरे चैनल का नाम है मुल्तानी बोली, यूट्यूब पर जाए मुल्तानी बोली खोलें, सबसे ऊपर आपको 174 वीडियो है, उसमें सबसे बड़ी फिल्म यही है सजा, सबसे ऊपर मिलेगी। दूसरी बात ये कि हम इस रविवार को इसको आर्या कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़ी स्क्रीन पर भी लगभग 150 लोगों की गैदरिंग में दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड का विषय है, गर्व का विषय है। तो अगर आप भी मुल्तानी बोली को पसंद करते हैं, मुल्तानी बोली से आप इस यूट्यूब चैनल पर जाएं और इस मूवी को ज़रूर देखें।